वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IBTS। आज हम हमारी एंशंट हिस्ट्री की, HP की एंशंट हिस्ट्री की जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इन ट्राइब्स को पढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये ट्राइब्स आई कैसे, मतलब कौन कौन से पीरियड की हम बात कर रहे हैं, और ट्राइब्स और जनपद में जो डिफरेंस है वो आपको इस वीडियो के खत्म होते होते समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि हमें एंशंट हिस्ट्री की ट्राइब्स पढ़ना जरूरी क्यों है। हम ट्राइब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि किस तरह से जो हमारा हिमालयन रीजन है, जो कि इतना टफ टेरेन है यहाँ पे, तो वहां पे किस तरह से जो लोग हैं वो आए, वो क्यों आए, क्या उनको किसी ने पुश किया था अपवर्ड रीजन में, क्योंकि जहाँ पे सोर्सेज नहीं है वहां पे कोई कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ट्राइब क्यों रहना चाहेगी। आप देखेंगे तो जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, यानी जो अगर मैं बताऊं तो सारा आपका यूपी और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बिहार में देख लीजिए, क्यों? क्योंकि वहां पे जो है, जो आपकी रिवर है वो सारी फर्टाइल जितने भी सॉइल है उसको वहीं पे जाके वो डिपॉजिट करती है। तो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन जो है हमेशा से ही वो हमारा जो है एक पॉपुलेटेड रीजन रहा है। आप देखेंगे उसी के थोड़ा सा आगे आपको मगध भी मिलेगा, और मगध के पास बहुत सारी पावर्स थी। एक पावर ये थी कि वहां पे रिवर्स जो थी वो ज्यादा प्रचलित थी उस टाइम पे, गंगा वगैरह रिवर वहां पे बहुत ज्यादा थी। तो जहां पे रिवर होती है वहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है, प्लस आपको क्या है, वाटर आसानी से मिल जाता है। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो बचता ही है, प्लस आपको सहूलत भी बहुत होती है क्योंकि आप बड़े बड़े कैरेज जो है वो आप लेके जा सकते हैं। तो ये वाले लोग जो है हिमालयन रीजन में क्यों पहुंचे, इसी सोच के साथ हम शुरू करेंगे इस वीडियो को, और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। रटने वाली चीजें भी थोड़ी बहुत होती हैं, बट समझना जरूरी है, फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखते हैं कि एंशंट हिस्ट्री में हमारे पास दो तरह के फैक्शंस हमें मिलते हैं। एक तो हमें मिलता है जहां पे हमारे पास ट्राइब्स आई, फिर उन्हीं ट्राइब्स के बीच में से उन्हीं ट्राइब्स का या तो वो ट्राइब्स एक दूसरे में जुड़ गई, या तो एक ट्राइब ने दूसरी ट्राइब के साथ फाइट किया, ठीक है, और उसने जीत पाई या फिर हार गई, या कुछ भी हुआ। इस तरह से बनते बनते क्या है, ट्राइब्स मिक्स होके आपका जनपद बना बाद में। तो एक तो बात आती है ट्राइब की, एक बात आती है जनपद की। तो जो ट्राइब्स का टाइम है ये वो वाला टाइम है जब जहाँ पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उस टाइम पे इंडिया में चल रहा था। आप देखेंगे वेस्टर्न रीजन में सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हल्का सा सदर्न में भी आप जाएंगे वहां पे आपको मिलेगा। तो वहां तक आपका जो IBC, जहां तक हमें प्रूफ मिले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कल को जो है आपके मध्य प्रदेश से भी आपके ईस्टर्न रीजन में कहीं आपको IBC मिल जाए, देर इज अ पॉसिबिलिटी, बट अभी तक हमें मिला नहीं है। तो हम यही समझते हैं कि ये कन्फाइंड है टू द वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रही थी वहीं पे उसी टाइम पे कुछ ट्राइब्स जो है वो हिमाचल में आना शुरू हो गई थी। अब वो कौन कौन सी ट्राइब्स थी, ठीक है, वो हम देखेंगे। प्लस एक और क्या होता है, जब ये ट्राइब्स जो है एक दूसरे के ऊपर जीत जाती हैं या एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं और वो ट्राइब्स बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको फिर जनपद बोला जाता है। और जो हमारे पास जनपद आते हैं उनके हमें रेफरेंस मिलते हैं महाभारत जो पीरियड है उस टाइम पे हमारे पास, यानी आप देखिए वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बाद की बात हो रही है ये, ठीक है, और उसके बाद की बात माने जो आपका बिफोर क्राइस्ट कह रहा है उसकी भी, और जो AD कह रहा है यानी एनो डोमिनी कह रहा है उसकी भी बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो हमने सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा था उसी में से हम देखेंगे इन जो जनपद है आपके बारे में, कि इन जनपद में हमें अपनी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वाली जो वीडियो है, अगर आप उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, उसको देख के आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ आएगी। हम देखेंगे कि ओडंबरास जो है उनके बारे में हमें महाभारत में क्या देखने को मिलता है, फिर पर्शियन लिटरेचर ने इनके बारे में कुछ लिखा है नहीं, क्या हमें कोई कॉइन्स मिले हैं वहां से या नहीं, अच्छा कॉइन्स हैं तो क्या लेवल था सोसाइटी का, सिल्वर कॉइन्स थे या नहीं, या जैसे आप देखेंगे कुलिंदास जो है, कुलिंदास में आपको सिल्वर कॉइन भी मिलेंगे और आपको कॉपर कॉइन्स भी मिलेंगे, और ये बड़ी बात है क्योंकि इन तीनों में हमें कॉपर कॉइन्स नहीं, इन तीनों में सिल्वर कॉइन्स नहीं मिलते। उसी तरह इसमें जो है आपको प्राकृत लैंग्वेज का यूज भी मिलेगा, इन तीनों में हमें जो कॉइन्स मिले हैं यहाँ पे हमें ब्राह्मी और खरुष्टी लैंग्वेज के ही मिले हैं। प्राकृत लैंग्वेज तो बहुत पुरानी है जो हमें कुलिंदास में मिलती है, तो ये भी हम देखेंगे इसमें। फिर इसको तो हम अलग वीडियो में एक बार पढ़ लेंगे जस्ट डिस्टिंक्शन के लिए, ये महाभारत पीरियड की बात हो रही है, वहां पे महाभारत में रेफरेंस दिए गए कि हिमालयन रीजन में ये सब कुछ है। उसी तरह जो आपकी IBC के उस टाइम पे जो ट्राइब्स हिमाचल में, हिमालयाज में जो आनी शुरू हुई थी, तो वो हम देखेंगे इसमें। अब देखते हैं सबसे पहली ट्राइब जो हमारे पास है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा। आपको क्वेश्चन यहाँ से तीन चार तरह से आ सकता है। पहली टाइप तो ये है कि आपको ये पूछ लेंगे कि क्रोनोलॉजिकली बताइए, यानी एक जो एक क्रोनोलॉजी में बताइए कि पहले कौन आया, फिर दूसरा कौन, फिर तीसरा कौन, फिर चौथा कौन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहला जो आपके पास है, सबसे पहला जो एडवेंट हुआ है किसी भी ट्राइब का, वो आपका कोल ट्राइब का हुआ। तो ये चीज आपने याद रखनी है।
अब इस चीज को लेके कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी बुक्स में कन्फ्यूजन है। अगर आप बलोखरा देखेंगे उसमें बताया गया कि कोल पहले आए, लेकिन आप बलोखरा के और चैप्टर्स में देखेंगे तो कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि ये जो क्रोनोलॉजी है ये सही है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो क्रोनोलॉजी पे आ सकता है। तो पहले कोल्स आए थे, फिर किरातास, फिर आपके खासास, ठीक है। और यही वो खासास हैं जिन्होंने कोल और किराता को ऊपर पुश किया। तो हम देखते हैं कि कोल्स और किरातास जो है आज हमारे जो हिमाचल है उसके अपर वैली रीजन में पाए जाते हैं, और किरातास जो है वो फिर भी थोड़े से लोअर लेवल रीजन में पाए जाते हैं, आप कांगड़ा पालमपुर ये वाला जो रीजन है। और कोल्स और किरातास जो है आप कुल्लू वैली में देखेंगे, ऊपर देखेंगे थोड़ा तो यहाँ आपको पाए जाते हैं। तो यही सारी स्टोरी थी। अब इसको देखते हैं कि कोल्स का एडवेंट जो है किस तरह से हुआ। बोला जाता है कि जैसे जैसे आईवीसी जो था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे उसका पेस बढ़ रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि इंडो गंगेटिक प्लेन जो है वहां से कोल्स को पुश किया, ठीक है, क्योंकि वो अपना एक्सपेंड कर रहे थे। तो उन्होंने पुश किया और हिमालयन जो रीजन है उसकी फुटहिल्स पे जाके आपके कोल्स जो है वो पहली बार आए। ये पहली बार जो हमारे पास किसी भी ट्राइब का एडवेंट हुआ वो कोल्स का हुआ। अब कोल्स के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। कोल्स कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? लैंग्वेज थी उनकी मुंडा, इनको मुंडा स्पीकिंग कोलारियंस भी बोला जाता था। तो इनको उन्होंने वहां से मूव किया और वो हिमालय की फुटहिल्स पे आ गए। दूसरा हमारे पास बात यह है कि इनको और किस तरह से बोला जाता है, तो दासाज और दस्यु भी बोला जाता है इनको, ठीक है, दासाज दस्यु ये सब इन्हीं के नाम है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी जो एथनिसिटी है, इनकी एथनिसिटी जो है वो ऑस्ट्रोलॉइड है, यानी काफी पुराने जो है उनकी बात कर रहा हूँ, काफी पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। आप देखिए आईवीसी के टाइम की बात हो रही है तो ऑब्वियसली पुरानी बात है। इनकी एथनिसिटी ऑस्ट्रोलॉइड है, ठीक है। कोल्स के बारे में हमारे पास जानना, इतना ही चीज जानना जरूरी है। यहां से क्वेश्चन आएगा तो एथनिसिटी पे आ सकता है, दूसरा आपका इनकी लैंग्वेज पे आ सकता है, और तीसरा आपका क्रोनोलॉजी पे आ सकता है। इसके सिवाय और क्वेश्चन यहाँ से कोई बनता नहीं है। अगर बन भी गया तो वो किसी को नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं आप, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं आपका किरातास। किरातास जो है, किरात बोल लीजिए, किरातास बोल लीजिए, इनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। किरातास की जो एथनिसिटी थी, ये इनकी एथनिसिटी जो है ये है मंगोलॉइड। मंगोलॉइड यानी इनका मंगोल से जो है ये आगमन यहाँ पे हुआ है। अब हर तरह की जो सिविलाइजेशन है उसका एक तरह का ही लॉजिक है थोड़ा थोड़ा। कोल जो थे वो पहले से रह रहे थे, अब क्या हुआ होगा कि कोई ना कोई और ट्राइब आई होगी, तो उन्होंने दो में से एक काम किया होगा, या तो उन्होंने उस ट्राइब के साथ पीसफुली रहना शुरू कर दिया होगा, या तो जो है इनके बीच में फाइट हुई होगी और कोल्स ऊपर पुश हुए होंगे और आपके जो किरातास हैं वो रिवर्स के नजदीक रहने लग जाएंगे। अब कोई भी अपर एरिया में रहना क्यों चाहेगा जब आपको सारे के सारे सोर्सेज जो है वो रिवर के पास हैं और रिवर आपको फुटहिल्स में मिलेगी, ठीक है। अपर एरिया में आप जाएंगे आपको सोर्सेज नहीं मिलेंगे, जंगली जंगल मिलेंगे, प्लस आपका क्लाइमेट भी उतना फेवरेबल नहीं होगा। तो क्या होता है, अपर रीजन में पुश होता जाते हैं धीरे धीरे। कोल्स वहां पे बड़ी आराम से रह रहे थे और बाद में कोई ट्राइब आई, वो कौन सी ट्राइब आई, वो आपकी ट्राइब थी किरातास। तो ये मंगोलॉइड इनकी एथनिसिटी है। इनके बारे में हमें जो है कुछ ऋषि बताते हैं। एक तो हमारे वशिष्ठ ऋषि जो है, वशिष्ठ ये इनके लिए रेफरेंस देते हैं किरातास को, शिष्णदेव भी ये बोलते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। प्लस जो आपका महाभारत है, महाभारत, अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, महाभारत का पीरियड तो बाद में है। देखिए महाभारत के पीरियड में भी इस चीज के बारे में कुछ तो लिखा जा सकता है ना। अगर 26/11 हुआ है तो मैं उसके बारे में 10 साल बाद भी तो लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 26/11 में होना जरूरी था, ठीक है। अगर मैं 50 साल पुरानी चीज के बारे में लिख सकता हूँ, तो वैसे ही महाभारत के वाण पर्व है, महाभारत का एक चैप्टर है, वहां पे भी किरातास के लिए जो है वो रेफरेंस दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इसलिए आ सकता है, इस तरह आ सकता है कि जो महाभारत है उसके कौन से चैप्टर में आपको किरातास का रेफरेंस मिलता है। और एचपी में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है। एलाइड में भी आते हैं, एनडी में तो और भी ज्यादा फैक्चुअल आते हैं, एचएस में भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको जो कालिदास है, कालिदास, कालिदास की जो रघुवंशम है उसमें भी आपको किरातास का रेफरेंस देखने को मिलता है। ये बात हो गई, ठीक है। एक जो हमारे पास, हमें किरातास के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है वो है, ये हमें पढ़नी है शांबर और देवदास वार। शांबर देवदास वार, ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि हम देखते हैं कि जो शांबर थे आपके, ये इनको किरातास बोला जाता है। अब आप जो मैं आपको बता रहा था कि आपको बुक्स में कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोखरा में देखेंगे आपको कुछ और मिलेगा, आप आकाश वाली बुक में देखेंगे आपको कुछ और मिलेगा। तो
मेजरली जो है ये वाला क्वेश्चन एचपीएस में आ चुका है पहले, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कमीशन के हिसाब से सही है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन सही करना है, हिस्ट्री चाहे कुछ भी हो। तो क्वेश्चन सही करने के लिए, सांबर जो है ये एक किराता का जो है एक राजा माना जाता था, काफी पावरफुल राजा था, ठीक है। और देवदास जो था वो आर्यन राजा था, ठीक है, आर्यन राजा। तो इनके बीच में एक फाइट हुई और ये फाइट चली आपकी 40 साल, 40 साल ये फाइट चली थी। और जो देवदास हैं वो सांबर को हराते हैं, और फिर क्या होता है कि किरातास भी और ऊपर पुश हो जाते हैं जैसे जैसे आर्यन आते हैं। हम देखेंगे कि आपकी जो नेक्स्ट, जो आपकी इसी क्रोनोलॉजी में जो नेक्स्ट है वो आपके खासास हैं, ये आर्यन ओरिजिन के हैं। ये खासास जो है ये आपके कश्मीर वाली तरफ से सेंट्रल एशिया को क्रॉस करके आपके आर्यन जो है कश्मीर की तरफ से आए, और जो आपके ऑलरेडी यहाँ पे किरातास थे इनको उन्होंने अपर वैली में पुश किया, ऊपर की तरफ पुश किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है 40 साल तक ये वॉर चलती है, जो सांबर जो है इनके 99 फोर्ट्स जो हैं 40 साल में 99 फोर्ट्स जो है इसको ये डिस्ट्रॉय करता है। तो सांबर देवदास वॉर जो है ये हमारे लिए थोड़ी सी जाननी इम्पोर्टेंट, ये देवदास वॉर जो है ये हमारे लिए जाननी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे खासास की तरफ। खासास जो है वो हमारे किस ओरिजिन के हैं, वो हमारे आर्यन ओरिजिन के हैं। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आर्यन ओरिजिन के कुछ लोग आते हैं, बाद बाद में आपका सारा का सारा जो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो हमें पता चलती है उसके बारे में। तो हमें इतना जानना है कि खासास जो है वो आर्यन ओरिजिन के हैं। अब इससे इसमें क्या है कि खासास जो थे देवर ऑलमोस्ट दी लास्ट ट्राइब, उसके बाद हमें किसी ट्राइब्स के रेफरेंस मिलते नहीं। मे बी ये ट्राइब ज्यादा पावरफुल थी तो इन्होंने बाकी ट्राइब्स को अपर एरिया में पुश किया। अब यही वो ट्राइब थी जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। मान लीजिए एक एरिया में जो है कासास ट्राइब है, एक एरिया में कोई और ट्राइब है, जितनी ऊपर ट्राइब्स हैं हमें इसके पहले नागा ट्राइब देखने को मिलती है बीच में, नागास की ट्राइब, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो दो ट्राइब्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करती हैं, ठीक है। कुछ लोग हार कुछ हार जा कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, बाद में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि चलो जी साथ में आ जाते हैं, ठीक है, पीसफुली रहते हैं। तो कितनी लड़ाई कर लेंगे आप, 40 साल तक चली, हो सकता है 100 साल तक इन्होंने लड़ाई की हो और उसके बाद ये मिल गए हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो छोटे 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 फैक्शंस थे, या तो ये एक दूसरे में मिल गए, या तो इन्होंने एक दूसरे पर लड़ाई करके एक दूसरे को खत्म कर दिया, दूसरे के जो जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था उसको खत्म कर दिया और उन लोगों को अपने में मिला लिया। तो एंड रिजल्ट ये हुआ कि ये सब जो है ये एक बड़ा फैक्शन बन गया, एक बड़ा ट्राइब बन गया, मतलब बहुत सारे ट्राइब्स का मिक्स बन गया, एक बन गया, ठीक है। तो ये जो है ये आपके ही बाद में जाके जनपद बनाता है, और हमें हिमाचल में 4 जनपद पढ़ने हैं और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो इनको पढ़ने के लिए ये पढ़ना आपके लिए पहले जरूरी था। अगर आपको बताऊं तो खासाज में जो है, खासाज आपकी कौन सी एथनिसिटी के हैं, आर्यन एथनिसिटी के हैं। खासाज में हमें एक बात और जाननी है कि खासाज जो हैं उनके बारे में, हमारे जो हिमाचल में एक बुंडा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, ठीक है, बुंडा फेस्टिवल। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारे फेस्टिवल एक ही जगह मिल जाएं, अगर बीच में किसी एंशियंट फेस्टिवल का आपको रेफरेंस मिल रहा है तो आपने उसको वहीं नोट कर लेना, वहीं याद कर लेना। भोंडा फेस्टिवल जो है ये आपका निरमंड में मनाया जाता है, निरमंड में आपको याद होगा, निरमंड जो है, निरमंड और अणि ये दोनों जो है ये आपके कुल्लू में पाए जाते हैं, ये दोनों तहसील कुल्लू की है। हमें कुल्लू जो है बाद में पंजाब से मिला था जब 1966 में डिवीजन हुआ था, ठीक है। तो भोंडा फेस्टिवल जो ये मनाया जाता है, जो ये सिग्निफाई क्या करता है, खासास जो है उनकी विक्ट्री को सिग्निफाई करता है। किसके ऊपर विक्ट्री, नागास के ऊपर विक्ट्री, या मेनली बात करूं तो उनकी जो पिछली ट्राइब्स थी उनके ऊपर उन्होंने विक्ट्री पाई। इसी तरह एक और फेस्टिवल भी मनाया जाते हैं, ये फेस्टिवल जो है ये आपका बेड़ा, बेड़ा जो कास्ट है उसके द्वारा मनाया जाता है, बेड़ा कास्ट, ठीक है, ये मेनली पंडित कास्ट है तो इनके द्वारा ही मनाया जाता है फेस्टिवल। भुंडा फेस्टिवल आपको याद रखना है, निरमंड में मनाया जाता है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम चलते हैं कि आपके इन तीनों जो ट्राइब्स हैं तो यहाँ पे एंशियंट जो पीरियड है उसमें गॉड्स कौन कौन से थे, कौन कौन से भगवानों को माना जाता था, और कौन कौन से देवियों को अगर माना जाता था, कौन कौन सी पूजा होती थी। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो हिमाचल में जो है सबसे एंशियंट कोई गॉड है जिसको माना जाता है तो वो भगवान शिव है। शैविज्म जो है, शैविज्म ये एचपी का मतलब एक ट्रेडमार्क जो है आपका, ट्रेडमार्क आपका पूजा है, ट्रेडमार्क पूजा है, यहाँ पे भगवान शिव की जो है बहुत ज्यादा पूजा होती है। आप देखेंगे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो महासु देवता, बहुत अलग अलग तरह से पूजा होती है, पशुपतिनाथ हो गए, ठीक है, पशुपतिनाथ, और बहुत सारा से, और बहुत तरह मणिमहेश हो गए,
तीन चार हो गए, तीन चार एग्जाम्पल्स आपको पता लग जाएगा कि जो वन सोर्स जो है वो तो एक है, लेकिन उसकी वेरियस वेरियस तरह से अलग अलग तरह से जो है वो पूजा होती है। तो भगवान शिव का जो है हिमाचल की जो एंशियंट गॉड्स में सबसे ज्यादा नाम आता है, और अगर आप आज भी देखेंगे तो आज भी जो है पूजा सबसे ज्यादा अगर कहीं होती है तो शिव भगवान की होती है। अच्छा, इसी के साथ क्या है कि आपका शक्ति की पूजा भी होती है, शिव के साथ शक्ति की पूजा भी साथ में की जाती है। इन दोनों की पूजा जो है वो कोरिलेटिव है, यानी जो विमेन गॉड्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ जो था वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत और जो है आपका एचपी में काफी इनका महत्व रहा। तो इनकी भी शक्ति की अलग अलग तरह से पूजा होती है, देवी गॉडेसेस की। हमारे लिए जानना जरूरी है कि शैविज्म जो है उसमें वो हिमाचल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो इस वीडियो में हमें बस इतना ही पढ़ना था कि आईवीसी के टाइम पे कौन कौन सी जो है हमारे पास ट्राइब्स आई थी, क्या उनकी एथनिसिटी थी, अच्छा उन्होंने क्या क्या काम किए, और उनका रेफरेंस हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो इस तरह से आपका जनपद बनते हैं, जनपद को एक एक करके जो है हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एंशियंट ट्राइब्स को पढ़ेंगे। एंशियंट ट्राइब्स हम पढ़ चुके हैं, हम महाभारत पीरियड के बाद जो आपकी जनपद है उनके बारे में लिखा गया है उनको हम पढ़ेंगे। मैं हूं सुशांत, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करे अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द एप नाउ।